प्रेज द लॉर्ड, आज गवाही देना है मैंने। आज मेरे साथ जो बहुत समय से परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में काम करना शुरू किया था, वो समय से लेकर आज जो गवाही का समय आ चुका है, वो समय जो मैं चल रही थी, वो परमेश्वर ने मुझे इस इस एंड रिज़ल्ट में लाके रख दिया। ठीक है, तो ये गवाही बन गया मेरे ज़िंदगी का। एक्चुअली मून फेसेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते थे कि जो मून फेसेस के आधार से बहुत ज़्यादा उनके ज़िंदगियों में परेशानी आती है, ओके, और बहुत ज़्यादा उनको डर महसूस होता है और बहुत कुछ ऐसे उनके लाइफ का वो बताते थे कि ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो प्रेयर रिक्वेस्ट है, मून फेसेस के आधार से अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उसका स्टडी किया, मैंने स्टडी करने के बाद में मुझे एक्चुअली मून फेसेस के बारे में जो जनरल नॉलेज रहता है, मैंने सब जगहों में से उसको स्टडी किया। फिर बाद में मैंने जो कैलेंडर्स होते हैं मून फेसेस के, ल्यूनार कैलेंडर्स होते हैं, उनको स्टडी किया। फिर उसके आधार के बाद में एक्चुअली अगर आपने मेरे पुराने प्रेयर्स जो मैंने वॉरफेयर प्रेयर्स किए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने ना जानते हुए भी ऐसे ऐसे कोई शब्दों को यूज़ किया है और ब्रेक किया है कि उनके पावर्स ब्रेक हो जाए, ओके, जबकि मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, फिर भी मैंने ऐसे ऐसे उनके विषय में चर्चा करके उनके पावर्स ब्रेक किए हैं। ठीक है, तो वो प्रेयर सेशंस में सेंटेंस ऐसे ऐसे मैंने बोल के ब्रेक किए हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जब अब मैंने ये जो स्टडी कर रही थी, इसके स्टडी के दौरान मुझे बहुत सारे जो पराए भक्तियाँ हैं, ओके, पराए आइडल्स हैं, पराए देवताएं हैं, ओके, जिसके बारे में परमेश्वर ने हमको मना किया है, जिसके पीछे हमको नहीं जाना है और जिसके विषय में हमको ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रखना है, लेकिन ये सब बातें मैंने अंदर से ऐसे देखा कि ये सारे जो मुझ पर अटैक किए करते हैं लोग, ये सारे अटैक उन्हीं आइडल्स को लेकर करते हैं जो मून फेसेस के प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड है, ओके, कौन सा प्लैनेट मून फेसेस में 15 डेज में लगते हैं, वो प्लैनेट्स के नाम के आधार से, उनके आइडल्स हैं उनके नाम के आधार से, और फिर उनकी भक्ति करके वो एक अलग प्रकार से मुझ पर अटैक लगाते थे। ठीक है, तो मैंने बोला ये कौन से आइडल्स है, ये क्या आइडल्स है, ये कैसे क्या इनको सपोर्ट करते हैं। तो मैंने यूबर्ट एंजल जो प्रॉफिट है, ओके, तो उनके प्रचार में मैंने एक दिन बहुत कम समय मैंने ऐसे ही उनका प्रचार देखा, क्योंकि वो आधी देर रात बाद कभी भी अवेलेबल हो जाते हैं वो प्रचार, लेकिन बाद में फिर अब यूट्यूब पे भी है वो प्रचार नेफिलिम्स बोलकर, ओके, तो वो मैंने प्रचार पढ़ा, सुना, तो थोड़ा सा सुना, मैंने पूरा नहीं सुना क्योंकि मुझे बहुत कुछ चाहिए उसके वो वीडियो के अंदर से, मुझे बहुत कुछ लेना है, लेकिन पता नहीं मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ वो सब कुछ इकट्ठा अपने अंदर लेने के लिए, मुझे वैसा अनुग्रह परमेश्वर देना चाहिए, ओके, लेकिन बहुत कुछ है अभी उनके चैनल से निकल रहा है जो है अवेलेबल यूट्यूब पे, तो उनके अंदर उनके वो प्रचार में से मुझे पता चला प्लैनेट्स क्या है। प्लैनेट्स भी फॉलन एंजल्स है, जो प्लैनेट्स के नाम जो हम देखते हैं कि मंडे को मून डे कहा जाता है, ट्यूसडे और विनस, जुपिटर और मार्स, ये सारे जो प्लैनेट्स के नाम के आधार से, तो ये प्लैनेट्स का अफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्यों होता है, मेरा बहुत गहरा सवाल था ये मेरे अंदर। परमेश्वर को तो नहीं पूछ रही थी, मैं अपने आप से फाइट कर रही थी, ये प्लैनेट्स कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये मून कैसे अफेक्ट कर सकता है। फिर
मेरा दिमाग वही देवी देवताओं की स्टडी करने के पीछे इतना भागने लगा, मैंने बोला मैं इतनी आसानी से इसमें से बाहर नहीं निकलूंगी। ये अफेक्ट कैसे करता है, इसका कनेक्शन क्या है, मेरे साथ क्या है, ये कैसे क्या मुझे चेंज कर सकता है, ये क्यों चेंज करता है, क्या है इसके पीछे रहस्य। तो मेरा ऐसा हो गया कि हर 15 डेज में जो अमावस्या आता है, हर 15 डेज में जो पूर्णिमा आता है, वो दिसंबर के कुछ 12 13 तारीख या 24 तारीख को एक अमावस्या या पूर्णिमा कुछ हो गया, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन उसके पहले का जो 15 डेज है वहाँ से शुरू हो गया। और वहाँ से जो मैं प्रभु भोज लेने वाला, जो मैंने आपको बताया एक प्रचार जो अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज में से मैंने वो अपने साथ ले लिया, कंटिन्यू मैं उनको सुन रही हूँ। अब वो डेट मुझे याद नहीं, लेकिन आज भी वो प्रचार मेरे घर में कंटिन्यू चल रहा है और डेली प्रभु भोज ले रही हूँ मैं उनका। प्रचार के अंदर जब प्रभु भोज का समय आता है उसको मैं ले रही हूँ और कंटिन्यू मैं चल रही हूँ ये फाइट में। ये ऐसे कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये क्या ऐसा है कि मैं इसे डिफिट नहीं कर पाऊँगी, ऐसा क्या है कि ये लोग इससे ज़्यादा डर के रहते, ये ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या है। जब ये फाइट मेरा इतना गहरा 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 जाने लगा तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस मुझे मिले जो पिनियल एंड गोंडे, जो उनके बारे में तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बात करना छोड़ो, लेकिन इसके पहले भी कुछ समय से पहले मैं उनको फॉलो कर रही थी क्योंकि मुझे ये हथियार देखना था कि शैतान हथियार क्या चलाता है, कैसे चलाता है, ठीक है। और फिर मैंने उनके उनके जो वीडियोस थे पिनियल एंड गोंडे के जो वीडियोस थे उनके अंदर जो टेस्टिमनीज आती थी वो टेस्टिमनीज को मैंने अच्छे से सुना, तो वो एक एक अलग अलग प्रकार से समझा रहे थे कि उनका अनुभव कैसा था जब वो अंधकार की शक्तियों का राज्य में अपना कोई पोजीशन लेके जी रहे थे, उनका उनके पास क्या अनुभव था। फिर उसके बाद मैंने प्रोफेसर आइक नातान, ओके, जो ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं ओकल्ट में और उन्होंने कुछ सीक्रेट्स एक्सपोज किए, तो उनका थोड़ा मैंने सुन लिया, सारा जो आता था उनका वीडियो अपलोड्स मैं उनको सुन लिया। फिर एरिका मोकेजा, उनको मैंने सुना और मेरा टारगेट यही था, ये जुपिटर है, ये जुपिटर प्लैनेट है, अब ये क्या ह्यूमन के साथ इसका क्या कनेक्शन, ओके, मून अपना काम करने के लिए परमेश्वर ने रखा है, इसका क्या लेन देन है कि मनुष्य के ऊपर वो इतना प्रबल हो जाए कि लोगों को वो पगला देता है, लोगों के इमोशंस को खराब कर देता है, झगड़े लगवा देता है, ओके ओके। तो हर एक इंसान का उसके साथ कुछ ना कुछ लेन देन है, ऐसे क्या है इसके पास। तो इसके बीच में मेरे पास ये सारा ज्ञान जब मैं इकट्ठा करती थी तो मैं हर एक को यही क्वेश्चन मार्क फेंक देती थी, अरे मुझे ये बताइए कि ये ऐसे होता कैसे है, ओके। लेकिन मैंने कहीं पर भी सीधा जवाब प्राप्त नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आज जून चल रहा है, आप सोच सकते हैं मैंने 7 मंथ्स इसके पीछे अपने आप को टक्कर लगाया, ओके। मैंने बोला लॉर्ड इम्पॉसिबल है, तू अपनी बाइबल में ये सब नहीं बताता है, तो ये सब हमको सिखाता नहीं है और ये हमको सीखने की फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेरा वचन ऐसा कहता है कि जो अंधेरे के काम है वो इतने घिनौने हैं कि तुम उसे देखना भी नहीं है और उसके बारे में जो अंधेरे कोठड़ी में किए जाते हैं उसके बारे में तो तुम देख भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे। तो अगर तेरा वचन इतना ओपनली हमसे कहता है कि हमको अंधेरे से कोई लेन देन नहीं है तो हमको जुपिटर से क्या लेन देन है, हमको मार्स प्लैनेट से क्या लेन देन है, हमको ट्यूसडे और फ्राइडे से क्या लेन देन है, हमको सैटरडे से संडे से क्या लेन देन है, फिर ये अटैक को क्या करूँ मैं, ओके, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, फिर ये अटैक को मैं क्या करूँ, इसका क्या संबंध है मेरे साथ कि उस दिन मैं बौखला जाती हूँ, उस दिन मुझे कोई बौखला सकता है, उस दिन मुझे कोई परेशानी में डाल सकता है, उस दिन मुझे कोई फ्रस्ट्रेट कर सकता है, उस दिन मुझे कोई जो प्रकार से टाइमिंग है, मैंने जैसे आपको प्रेयर में ब्रेक किया
जो रोग समय, काल समय, उद्वैक समय, मैंने उसको स्टडी किया कि ये टाइमिंग से, ये टाइमिंग्स के अंदर ये लोग मुझ पर अटैक करते हैं, ये इतने ड्यूरेशन, 21 डेज का ड्यूरेशन, या फिर 7 डेज का ड्यूरेशन, या फिर 14th डे का ड्यूरेशन, या फिर 28, या 41, 42, या फिर 50 का डेज, ऐसे टारगेट्स लगाते हैं वो। तो मैंने बोला कि ये ऐसे मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसके अंदर से छुटकारा चाहिए। बाय हुक और क्रुक मेरा परमेश्वर निर्बल नहीं है, और मैंने कहा कि ये मेरे परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला रास्ता है, जो मैं अंधकार के जगत का जो वर्शिप करते हैं लोग, जो हमको मना किया है उन सारे आइडल्स के बारे में सोचना, देखना, कुछ भी करना, हमको मना किया है, और मैं उनकी स्टडी कर रही हूँ, उनके नाम स्टडी कर रही हूँ, उनका डेज स्टडी कर रही हूँ, उनके अफेक्ट्स को स्टडी कर रही हूँ। हाँ, तो मैंने बोला लॉर्ड, ये मेरे अंदर से कुछ तो अटक रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये करने के लिए, ये सब पढ़ने को मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट्स लेकर लेकर मेरे मोबाइल को भर दिया, जबकि मेरा मोबाइल ऐसे कोई काम के लिए नहीं है। मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं ये जवाब लिए बगैर पीछे नहीं हटना चाहती हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ पहुँचूँगी, लेकिन मुझे ये चाहिए, इसके बारे में तुझे सुलझाना है। ओके, ये मुझे चाहिए, ये तू नहीं बताएगा, ये तेरे राज्य का नहीं है, फिर मुझे ये क्यों जानना है, फिर ये अटैक्स के बारे में मैंने कैसे फाइट करना है। तो हर बार मुझे अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज का जो शुभ संदेश में वचन आता है 2 बजे, और फिर जो उनका संडे टू संडे वचन आता है, तो हर बार मुझे वहाँ से परमेश्वर आवाज़ दिया, हर बार। लेकिन मैंने उनका आवाज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मैंने बोला इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसके अंदर मैं जो ढूंढ रही हूँ वो कुछ भी नहीं है। ओके, इसके अंदर से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, ये क्यों ऐसा। फिर मैंने जो जिन्होंने मुझे मेरे भाई के लिए जिन्होंने 3 दिन फास्टिंग प्रेयर किया था, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, मैं उनका आदर किया, तो वो पर्सन, वो प्रभु के दास है, उनको मैंने फ़ोन करना स्टार्ट किया, मैंने बोला इसके बारे में क्या, क्योंकि आपको मालूम होगा, आप वो बैकग्राउंड आपका है वैसा, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। ओके, फाइनली मैंने बोला ये नहीं, कोई नहीं बता रहा है हमको, कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। और ये 10 डेज मेरा ऐसा था, पिछला 10 डेज ऐसा था कि मैं एक ऐसा एज पर आ चुकी थी, ऐसे एक किनारे पर आ चुकी थी कि मेरे पास आइडल्स की जानकारियाँ बढ़ती जा रही थी, और परमेश्वर का जो लगाव था वो कम होने लगा था। तो मैंने बोला परमेश्वर ये तो बिल्कुल ही गलत है, मुझे चाहे जवाब मिले या नहीं मिले, लेकिन मुझे तेरे साथ जो लगाव है उसमें कम नहीं होना है। लेकिन मैं जब 4th डे आता था, 3rd डे आता था, तो मैं ट्रैक करती थी, ओके, ट्रैक रखती थी कि अब अमावस्या हो गया, फिर अब 3rd डे कभी है, तो मैं वो आइडल्स के कैलेंडर्स ओपन करती थी, और फिर मैं उसमें से देखती थी, वो आइडल्स का मुझे सामना करना पड़ता था, उसके लिखे हुए शब्दों का मुझे सामना करना पड़ता था। तो मैं उसके अंदर जब मुझे कोई अटैक होता था, मैं टाइमिंग नोट डाउन करके रखती थी, और फिर बाद में मैं उसको जाके वो कैलेंडर में जाके देख लेती थी कि ये टाइमिंग में क्या क्या रचना थी मून फेसेस के अंदर के, ओके, कौन सा ग्रह था, कौन सा टाइमिंग था, कौन सा क्या क्या है, वो सब कुछ मैं उसके अंदर से कलेक्ट करती थी कि इनका ये सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर ये ऐसे करते हैं, क्योंकि ये 100% सच है, वो सिस्टम के अंदर ही सब कुछ करते हैं। सिस्टम ख़त्म होने के बाद वो आपको एकदम फ्रेंडली नज़र आएंगे, जैसे एकदम
भीगी बिल्ली जैसे रहती है, एकदम नरमाई से आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब वो सिस्टम का सेटिंग आ जाता है उस समय आपको बौखलाया हुआ ऐसा एक खूंखार जानवर की तरफ फाड़ खाने की तरह से वो आपके खिलाफ उठ कर रहते हैं, ओके, और ताक में रहते हैं वो उस समय कि कभी ये बाहर निकलेंगे, कभी इसे झपट लेंगे, कभी इसको मरोड़ कुचल देंगे, इस तरह का उनका अटैक वो लोग उस समय तैयार रहते हैं, ओके। तो ये एरिया ऑफ लाइफ मैंने स्टडी करने के बाद में मैंने जब देखा कि मेरा लाइफ गड़बड़ी में जाएगा और मुझे वार्निंग भी आया, कुछ प्रभु के दास ने मुझे मैस कमेंट में, ओके, मैंने जो यूट्यूब चैनल्स में जो भी वीडियोस अपलोड किए थे उसके एक कमेंट भी आया मुझे कि अगर आप ऐसे पीछा करते जाओगे अंधकार के बातों का तो किस समय आप अंधकार में फिसल गए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ओके। तो मैंने बोला पौलुस क्यों बोलता है फिर ऐसा, मैंने अपने आप से सोचा कि पौलुस क्यों बोलता है फिर ऐसा कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से है, और वो भी उसने लेवल्स बताया, ओके, जो आकाशमंडल की लेवल है, जो इसकी लेवल है, उसकी लेवल है, यहाँ के मौके के बारे में ये सब बताया। तो मैंने बोला ये इसको कैसे मालूम, ओके, वो यहूदी था और रोमी सरकार के अंदर वो काम भी कर रहा था और फिर बाद में वो प्रभु में आया और फिर उसके पास ये ज्ञान है, वो आइडल्स जानता था, ओके। वो शिमोन जो था जादूगर, वो जादू टोना कर रहा था और फिर भी वहाँ पे प्रभु का चेला वहाँ पर खड़ा रह के उसके सामने कन्फ्रंट करके वो प्रभु का प्रचार कर रहा है। तो वो शिमोन को भी जलन फील हो गया कि ये इसके पास कौन सा पावर है, चलो हम खरीद लेते, कैसे क्या वो कैसे क्या कन्फ्रंट कर रहा था, ये कैसा कन्फ्रंट कर रहा था, क्या है भेद कि उसके अंदर वो चेले के अंदर था परमेश्वर का कि वो कन्फ्रंट कर सकता था, पौलुस के पास क्या भेद है ऐसा कि वो इस तरह से बात कर रहा है कि हम लोगों का युद्ध इस तरह से है, ये इसके नीचे का रूट क्या है, किस आधार से ये लोग बोल रहे हैं, क्या इन्होंने फिर आइडल के सारे पावर्स की स्टडी की थी, क्या इनको खुद होके स्टडी करनी पड़ी थी, क्या इनको परमेश्वर ने स्टडी करने के लिए अगुवाई की थी, कैसे इनको मालूम है, ओके। तो मैंने फिर ऐसा सोचा शायद से फिर ये सब जो प्रभु के दास है, बड़े बड़े दास है, ये सब भी शायद ऐसे ही स्टडी करते होंगे, ठीक है, तो उनको भी यही सब करना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये सब जानते हैं कौन से आइडल्स का नाम क्या है और कौन से आइडल्स का दिन क्या होता है, कौन से आइडल्स के पावर का क्या काम है, ये सब वो भी जानते होंगे और वो बिना स्टडी किए तो जानेंगे नहीं, उन्होंने भी अपना समय गवाया होगा ये सब व्यर्थ की बातों के ऊपर, ये व्यर्थ की बातें हैं, इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है, ओके। फिर बाद में जब अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के वचन जब मैं हमेशा कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ, तब मैं हमेशा एक देखती थी कि मैंने एक दर्शन देखा था मैरिज के पहले, देखा था मैंने ये दर्शन, ओके, वो दर्शन में मैंने ये देखा था कि मैं एक समुंदर में एक पत्थर है जहाँ से लोग जहाज़ में चढ़ने के लिए वो पत्थर के ऊपर से जाते हैं और फिर बाद में वो जहाज़ में चढ़ते हैं, तो वो पत्थर है लेकिन वो बहुत लंबे तक अंदर है और उसके उसके एंड में जहाज़ लगा रहता है, अगर वो एंड के ऊपर से अगर कोई पानी में उतरेगा तो वो भारी गहरा समुंदर है, वो कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो वैसा तरह का मैं लटक रही हूँ, ओके, ऐसे वो पत्थर को पकड़कर, ठीक है, और परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिखाया कि तू ऐसे अवस्था में जा रही है जिसके अंदर केवल वो पत्थर, वो वचन, ठीक है, केवल वो वचन एक एक रॉक, एक एक आश्रय तुझे मिलेगा जहाँ पे तेरे साथ कोई नहीं होगा लेकिन वो एक एरिया ऑफ लाइफ तेरे साथ हमेशा बना रहेगा, ओके।
वो एक एरिया ऑफ लाइफ तुझे डूबने नहीं देगा, और मैं पानी के अंदर लटकते हुए हैं और मैंने वो पत्थर को पकड़ के रखा है, और मुझे परमेश्वर ने ये दिखाया कि ऐसा तेरा लाइफ फ्यूचर तू बना रही है कि तुझे कोई आश्रय नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा, लेकिन ये एक पत्थर है जो मैंने तेरे लिए आगे करके रखा है, जिसको तू पकड़ के रखेगी। ओके, तो ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज मुझे मिल गया और मैं उनको पकड़ के रखा है। ओके, वो मेरा आश्रय है, और वो चाहे जितना कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो प्रचार में से मुझे पटके देते हैं लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो फिर लेफ्ट मुड़ना ही पड़ता है मुझे, राइट राइट राइट, तो मुझे राइट मुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि मैं वो अगुवाई को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, सर और मैडम दोनों के अगुवाई को मैं फॉलो कर रही हूँ, और जो भी पुलपिट में से उनके प्रचार करेंगे मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। ओके, आदर के साथ मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। तो ये आश्रय स्थान था जिसकी वजह से मैंने और एक थोड़ा हिम्मत जुटाया और थोड़ा जानकारी इकट्ठा करना चाहा आइडल्स के बारे में। ओके, जितना भी वचन वो बताते थे मुझे वो आधार है, ये मैं समझती थी ये मेरा आधार है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, और ज़्यादा मैं गहराई में आइडल्स के बारे में ढूंढना शुरू करती थी। ओके, तो जब ऐसा करते करते जब एक समय आ गया कि मैं हमेशा देखती थी, हमेशा जब भी थर्ड डे आया, फोर्थ डे आया, ओके, मून फेसेस का जो फोर्टनाइट रहता है, 15 डेज के बाद का समय जो शुरू होता है फिर से, वो उसमें का थर्ड डे आया, फोर्थ डे आया, अगर कुछ तकलीफ़ आ गया तुरंत मैं उन आइडल्स के कैलेंडर्स में जाके देखती थी। अगर कुछ मुझे लगता है, डाउट होता था कि नहीं आज कौन सा डे है, कल कौन सा डे, तुरंत मैं जाके आइडल्स के कैलेंडर को फॉलो करती थी, और अगर मैं भूलना नहीं चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट लगा के अपने मोबाइल में भर के रखती थी। ये सारा चीज़ जब मैं कर रही थी तो मेरे अंदर से एक एक प्रकार का पथरीला हृदय शुरू हो गया, पथरीला, ओके, पथरीला हृदय, हाँ, जिस पथरीला हृदय तब शुरू होता है जहाँ परमेश्वर एब्सेंट होने लगता है। ठीक है, पथरीला हृदय शुरू हो गया और मैंने तुच्छ जानना शुरू किया। ओके, मैंने तुच्छ समझना शुरू किया, कम ऑन, ये नहीं, ऐसे नहीं, ये वचन नहीं चाहिए, ये बाइबल का ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, ये काम नहीं कर रहा है। ओके, मैंने ऐसे एक हटाना शुरू किया था थोड़ा 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 बाइबल का वातावरण, और मैं ज़्यादा वो देखती थी कि आज कौन सा आइडल है और आज कौन सी सेटिंग्स है और आज क्या है, आज के डेट में मून फेसेस का सेटिंग्स क्या क्या है, वो मेरा ज़्यादा हो गया था, और बाकी बाइबल रीडिंग ये सब जो है वो मैंने हटा हटा के बाजू में रखा था। ओके, क्योंकि बाइबल में ये सब मिलता नहीं है इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा हृदय कठिन बनने लगा। हाँ, अब ये कठिन जो समय था, ये समय 10 डेज का ही अवसर में हो रहा था, ये सब पिछले 10 दिनों में कठिन बनने लगा। तो मैंने बोला ऐसा कैसा कठिन बन रहा है मेरा लाइफ, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ रही हूँ और मैं परमेश्वर के बिना नहीं कर रही हूँ, मुझे चाहिए वो जवाब, मैं ढूंढ रही हूँ। सब बार हर बार मैंने ये देखा कि पवित्र आत्मा मुझे मना करता है, और तब मैं सारे वो जो स्क्रीनशॉट्स लिए सब डिलीट कर देती थी। ओके, और मैं अपने आत्मिक बेटियों को भी वही देती थी, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपको मालूम होना ज़रूरी है। ओके, तो वो अब मुझे मेरे साथ चल रहे तो वो क्या मुझे अगेंस्ट करेंगे, तो वो भी उसको पढ़ते थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको बताती थी। लेकिन हाँ, मैं उनको ये ज़रूर बताती थी कि मैंने आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए दिया, आप इसके अंदर रिसर्च करने के लिए नहीं जाना है। ओके, तो वो सब काम मैं कर रही हूँ, उसके धोखे हैं, उसके अंदर नहीं जाना है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये इस तरह से अटैक्स का समय ऐसे सेटिंग करते हैं लोग, ये टाइमिंग ये इस तरह से ऐसा सेट करते हैं। ओके,
वो बाद में वहां से भी मुझे परमिशन ने बोला डिलीट करो सब, तो मैं डिलीट कर देती थी। और फिर अगली बार मैं जब निकालती थी, मैंने डाउट करती थी कि अब देखो मैं क्या है, आज का डेट में क्या है, आज का कौन सा डेट में कौन सा मून फेस है। ओके, जब मैं ऐसा सोच आ जाता था, सुबह उठते ही मेरे अंदर ये सोच आ जाता था, तो मैं उठने के बाद में धीरे 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 एक बार तो मैं उसको खोलती ही थी, वो आइडल का कैलेंडर। ओके, और फिर ऐसा करने के बाद में पवित्र आत्मा मुझे बोलता था नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। और मैं फिर भी ऐसे धीरे 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 सुप करके खोल लेती थी, देख लेती थी, स्क्रीनशॉट लगा लेती थी, बस बंद कर देती थी और फिर कहती थी आई एम सॉरी लॉर्ड, अब नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी। ओके, फिर फोर्थ डे आया, नाइन्थ डे आया, सेवेंथ एट्थ डे आया, या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तुरंत मैं वो आइडल का कैलेंडर खोल के देख लेती थी। और फिर पवित्र आत्मा खोलने के पहले ही मुझे बोलता था नहीं जाना, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, नहीं जाना, क्या तू नहीं जानती है कि मैं सबका, यूनिवर्स के अंदर का सबका कंट्रोल मेरे पास है, क्या तुझे विश्वास नहीं है मुझ पर, नहीं जाना उसमें। और फिर भी मैं धीरे 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 खड़ाक करके स्क्रीनशॉट लगा लेती थी, बंद कर देती, ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी लॉर्ड, अब नहीं जाऊंगी। ओके, ऐसा ही चलता रहा। ये मेरे अंदर का जो फिसलता जा रहा था समय, तो मैंने बोला छोड़ो नहीं, हमको कुछ फैसला लेने का ज़रूरत है, ये मुझसे नहीं होगा। क्योंकि भले ही मैं इस तरह से अपना एक रास्ता लेते लेके लेके निकल रही हूँ, लेकिन ये परमेश्वर एग्री नहीं कर रहा है। और मुझे कंफर्म नहीं है कि पौलुस को ये सब सीक्रेट कैसे मालूम पड़ा, पत्रस को ये सारे सीक्रेट्स कैसे मालूम पड़े, ये सारे अंधकार के भेद ये लोग कैसे समझते थे, ये सारे लोग सब पावरफुल कैसे रहते थे, क्या सीक्रेट था इनके पीछे, इनको कैसे मालूम। ये सब प्रभु के दास है जो प्रभु का काम करते हैं, उनको कैसे है ये ज्ञान, कैसे है ये, कैसे मालूम है इनको ये सब बातों के बारे में। मैंने बोला लॉर्ड ये हो ही नहीं सकता है कि इन्होंने अंधकार के जगत के सीक्रेट्स ना सीखे हो, यानी ना देखे हो, या फिर रिसर्च ना किया हो, ये हो ही नहीं सकता है। ओके, तो मैं जो कर रही हूँ वो सही है, ऐसा मैंने अपने आप से बोलना शुरू कर दिया। ओके, और जब मैंने ये ऐसा बोलना शुरू किया, तो ये आ गया अभी 2-3 दिन पहले की बात, ठीक है। और फिर जब मैंने ऐसे बोलना शुरू किया कि ये तो ज़रूरी है और ये करना ज़रूरी है और ये रिसर्च है, लेकिन फिर मेरा 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 जो परमेश्वर के संगति का जो एक मिठास है, जो मेरा जो संगति है परमेश्वर का, वो क्यों मुझसे जैसे ऐसे लगता है कि मुझे ढूंढ के लाना पड़ेगा, कहाँ गया वो, ऐसा लगता था। ओके, तब परमेश्वर ने मुझे बताया देख, जब तू ये काम करती है तब वो आइडल्स के स्पिरिट्स तेरे सोल के ऊपर लेयर बन जाते हैं। ओके, जब वो लेयर, एक स्पिरिट लेयर हो गया, दूसरा स्पिरिट लेयर हो गया, तीसरा स्पिरिट लेयर हो गया, तो अब तेरा तेरा सेंसेस जो है वो मुझे कैच नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बीच में आ गया है लेयर्स वो बढ़ गया है। ओके, वो ताकतवर हो गया है, वो तेरा कम्युनिकेशन जो निकलता है तेरे सोच में से, तेरे हृदय में से जो कम्युनिकेशन निकलता है, वो स्पिरिट के साथ, आत्मा के साथ कनेक्ट होने नहीं देता है। तो प्रॉब्लम तो स्टडी कर रही है उससे नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम उससे नहीं है कि तुम मुझे खेदित कर रही है, इसके लिए मैं तेरे से अलग हो गया, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि तू जिसको फॉलो कर रही है, जिसको पीछे जा रही है, तो ये ढूंढने के लिए जिस कैलेंडर के अंदर जाती है, वहाँ के आइडल्स तुझे सोल के अंदर तू लेके आ जाती है। ओके, और फिर बाद में तू मुझे पूछती है कि ऐसे लग रहा है मुझे जैसे मुझे तुझे ढूंढना पड़ रहा है। ओके, मैं तुझे ढूंढने तक इतना मैं दूर नहीं हूँ, मैं तेरे करीब हूँ। और सच में जब परमेश्वर ने मुझे बोला कि देखो तुम मुझे सिर्फ आवाज़ लगाओ और देखो मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ, लेकिन तुम क्यों महसूस किया
क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जिस जगह तुम जाती हो उस जगह के स्पिरिट्स तुम्हारे साथ साथ तुम लेकर आ जाती है। ओके, ये सीक्रेट जब परमेश्वर ने मुझे बताया तो मैंने वहां जाना बंद किया। फिर बाद में मेरे पास एक ऐसा समय आ गया, अभी एक एक दिन पहले, एक एक डेढ़ दिन हो गया अभी, ओके, ऐसा समय आ गया कि मैंने बोला, लॉर्ड अगर मैं नहीं जा रही हूँ, ये सारा भेद अगर मुझे नहीं मालूम पड़ता है तो फिर कैसे, मैं कैसे फाइट करूँ ये लोगों से, कैसे इन लोगों के हाथों से पीछा छुड़ाऊँ। तो मुझे परमेश्वर ने यरमिया की किताब, भविष्यवाणी की किताब पढ़ाई। ओ माय गॉड, रब खसिया लो रोब हो दान दला रासिया खुम दरा, आई लव यू माय लॉर्ड, आई लव यू, ऐसा सिखाया मुझे उसके अंदर से। उसने बोला देख ये है मैं, ये है। ओ शबरा बरा खताना नमगा सियांदुरा, क्या समझती है तू कि मैंने तुझे बहुत अच्छा देखकर चुना है? क्या लगता है तुझे कि तू बहुत होशियार है इसके लिए मैंने तुझे चुना है? ये नहीं, मैंने तुझे चुना है ताकि मैं तुझे तराशूं, ओके, मैं तुझे तैयार करूं, हाँ, मैं तुझे काम दूं, ठीक है, और मैं तेरे कामों की प्रशंसा मैं तेरे मुंह से सुनूं कि परमेश्वर कितना अच्छा है, तूने मेरे ये काम, मेरे हाथों से ये काम करवाए, तो कितना भला परमेश्वर है, तूने मेरे जिंदगी को तेरे राज्य में लाया, मैं तेरे मुंह से मेरी प्रशंसाओं को लेना चाहता हूँ, मैं तुझे वो बर्तन बनाना चाहता हूँ जिसके मुंह से मेरी आराधना को मैं ले सकूँ। ओ माय गॉड, शाबा रखा था ना मगा सियांदुरा, थैंक यू जीसस। वो कहता है कि मैंने इसलिए तुझे चुना कि तू मेरी तारीफ करे, हाँ, मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू मुझ पर भरोसा करे कि कोई भी पावर, कौन सा भी पावर, कैसा भी पावर हो, तूने देखा नहीं देखा, सब पावर्स को जवाब देने का तरीका मेरे पास है, ये तू भरोसा कर। ओ माय गॉड, ओके, तो परमेश्वर ने मुझे बोला ये तेरा लाइफ है, ये तुझे मैंने तैयार किया है, कहाँ तू जा रही है, जहाँ पे झूठ है, जहाँ पे असत्य है, उसके पीछे तू जा रही है, वो असत्य के बाद तुझे क्या प्राप्त होगा, इवल स्पिरिट्स प्राप्त होगा, उससे अच्छा है तू वो सब रास्ता छोड़ और तू ये देख कि मैं एक अकेला काफी है तेरा सब कुछ को संभालने के लिए। ओके, अब तू बोलेगी अगर मैंने ऐसा वॉरफेयर प्रेयर किया तो क्या ये सक्सेसफुल होगा? तो परमेश्वर ने मुझे बोला यही है वो जो तू करना है, और यही है वो जिसके अंदर से मैं सुनता हूँ, और यही है वो जिसके अंदर से मैं तेरे शत्रुओं के ऊपर पलट जाता हूँ। ओके, तो इसकी वजह से तू जो रास्ता चलना है वो ये है कि तू वचनों में बढ़, वचनों की आज्ञाकारिता में बढ़, तू मुझसे प्यार कर, मुझ में तू बने रहे, मेरी तारीफ कर, मुझ में तू विश्वास रख, तो मेरा आत्मा तुझ में बढ़ता जाएगा, और वो ही आत्मा है जो सब शक्तियों के ऊपर तुझे प्रबल रखेगा। ओके, तो अब इसके बाद तू कोई भी एरिया ऑफ लाइफ से नहीं डरना है, ठीक है, मुझे परमेश्वर ने बोला कोई एरिया ऑफ लाइफ से तुझे खौफ रखने का जरूरत नहीं है, तुझे मेरी स्तुति करना है, मेरी प्रशंसा करना है, मेरी मीठी मीठी बातों को तूने बोलना है, और जीवन देने वाला परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर है, वो रास्ता बनता है। जब तू आइडल्स के कैलेंडर्स के पीछे जाती है तब वो स्पिरिट्स तेरे पास आते हैं, उनके पास मैं नहीं हूँ, इसकी वजह से उसके अफेक्ट तुझे मालूम पड़ते हैं, लेकिन जब मेरे पास तू रहेगी मेरे अफेक्ट तुझे मालूम पड़ेंगे। ओके, तुझे ये महसूस हो गया कि तेरा हृदय कठिन हो रहा है, ओके, तेरा हृदय ऐसा हो गया है कि ऐसे लग रहा है कि
मुझे परमेश्वर को ढूंढ के लाना है, ऐसा लग रहा है, इतना दूर लग रहा है परमेश्वर। वो मुझे बता रहा था कि ऐसा नहीं है, तू जिस रास्ते से गई वहाँ के स्पिरिट्स तू लेकर आई, और उनके जो गर्दी है, ओके, उनके जो भीड़ है, वो भीड़ के कारण तूने अपने आवाज को मुझ तक पहुंचने में देरी लगी, तो तूने ये बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, इतना दूर चला गया है। मुझे परमेश्वर ने बोला मैं तुझसे कभी भी दूर नहीं गया हूँ, लेकिन तू जो रास्ते से जाती है वहाँ से जो भीड़ आती है वो लेकर आती है, वो भीड़ तुझे तेरी आवाज़ को लेट करती है मुझ तक पहुंचने में, और फिर तू ही विश्वास करती है कि मैं तुझसे दूर हुआ हूँ, सच्चाई में ऐसे नहीं है, ओके। फिर परमेश्वर ने जो ये आज्ञा दिया मुझे कि तू आज्ञाकारिता में रह, परमेश्वर के प्रेम में रह, और परमेश्वर के वचन के अनुसार तू मुझ में प्रार्थना कर, मैं तेरी बातों को जैसा तेरा हालत है उसको चेंज करने का सामर्थ्य रखता हूँ। तो यहाँ वहाँ कहीं पर भी कोई भी जगह हमें नहीं जाना है पूछताछ करने के लिए, कोई जगह मतलब कोई सर्फिंग नहीं करना है, कोई रिसर्च नहीं करना है, सब चीज़ों को तो व्यर्थ मानना है, और उन चीज़ों से मैंने तुझे बाहर निकाला है, उन चीज़ों से तेरा कोई लेन देन नहीं है, जो तुझे मैंने वर्च्यूज दिया है, क्वालिटी दिया है, जो तेरे अंदर मैंने भरा है वो इतना महंगा है कि ये जो रिसर्च तू कर रही है ये सब कुछ तेरा वो क्वालिटी को कलंकित कर रहा है, ओके, दूषित कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है। ओ फादर, आई थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, तूने मुझे मार्ग सत्य जीवन से अलग होने नहीं दिया, थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर ने मेरे रास्ते को सीधा किया, और मेरा अब ये पूरी तरह से मैं आपको खुल के बोलती हूँ, ओपनली बोलती हूँ, अगर आप सच्चे बिलीवर हैं, अगर मसीह में हैं, आप सचमुच मसीह में हैं, तो वो नॉनसेंस बंद कर दो कि मून फेसेस की वजह से प्रॉब्लम आ रहे, या वो नॉनसेंस सब बंद कर दो, क्योंकि वो अफेक्ट इसके लिए आता है, वो स्पिरिट्स हमारे सोल के साथ हम लेकर आते हैं, ओके, हमको वो अफेक्ट्स के लिए नहीं रखा है, हमको जो रखा है वो हम नहीं करेंगे तो वो अफेक्ट्स के स्पिरिट्स आना जायज बनता है, लीगल बनता है, क्योंकि पाप दरवाजे में खड़ा है, ओके, हम पाप के ऊपर प्रभुत्व करना है, ओके, ना कि पाप के अधीन जाना है, ठीक है। तो हमने अच्छाई करना छोड़ दिया तो पाप दरवाजे में खड़ा है, और उसकी इच्छा हम में से ही प्रकट होना है, ओके, तो इसके लिए हमको पाप के ऊपर प्रबल होना है, ये सीक्रेट है, और ये सीक्रेट को हम कभी नहीं भूलना है कि ये कारण से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, हमको ऐसे लगता है कि बहुत दूर चला गया, ऐसे लगता है कि हमने बहुत समय से परमेश्वर से मुलाकात नहीं किया, हमको ऐसे लगता है कि हमने बहुत बहुत कुछ गलतियां कर रखी है, अब मुश्किल है हमको इसमें से बाहर निकलना, ये सब कुछ हमने अपने मर्जी से लगाए हुए डायलॉग्स हैं, लेकिन इस डायलॉग्स के ऊपर एक सतह बन चुकी है जो ईवल स्पिरिट्स की है, ओके, ये ईवल स्पिरिट्स को हमने हटाया तो ये डायलॉग्स चेंज हो जाएंगे, हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन रहेगा, और हम परमेश्वर से हमेशा नज़दीकी एस्टैब्लिश करते रहेंगे। अब देखो, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, ओके, कि जब भी हमको ऐसा सतह लगे, बहुत सारा ढेर सारा ईवल स्पिरिट्स का सतह लग गया, कभी कभी हमने कुछ नहीं किया है फिर भी हमारा कोई कॉन्शियस अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस में कहीं हम लूज है, कहीं पर कोई वीकनेस है, उस समय में अगर लग चुका ऐसा माहौल, हमारे भीड़ लग चुकी
दुष्ट आत्माओं की, तो हमको हमारी आवाज़ ये बताएगी कि परमेश्वर कहाँ है पता नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है मुझे, कैसे तो लग रहा है, नर्वस नर्वस लग, ये हमारी दबी हुई आवाज़ है। ओके, इसके ऊपर दुष्ट आत्माओं की भीड़ रहती है। तब हमको क्या करना है, परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं सदा सर्वदा के लिए तेरे अंदर रहने के लिए मेरा आत्मा दिया है। ओके, आपको परमेश्वर के आत्मा से बातें करना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप परमेश्वर के आत्मा से बात करना स्टार्ट करते, आपका उजियाला बढ़ने लगता है, ये सतह में जो भीड़ लगती है दुष्ट आत्माओं की, वो सब खत्म होने लगती है और आप सीधी तरह से परमेश्वर का रास्ता उजियाले में देख पाते हैं। ओके, जब आपको लगता है आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आपको प्रार्थना का मन नहीं हो रहा है, तो बैठे नहीं रहना है। वो प्रार्थना का मन नहीं हो रहा है, ये महसूस जब हो रहा है आपको, तो सतह लग चुकी है, भीड़ लग चुकी है दुष्ट आत्माओं की, अब उसके पार जाना है आपको। तो जो डायलॉग्स आप बोल रहे हैं, मुझे प्रार्थना करना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, उस जगह में आप पवित्र आत्मा से बातें करना स्टार्ट करना है। ओके, जब आपको लगता है बीमार अवस्था आ रही है, या कोई फेलियर्स आ रहा है, या कोई डर आपको लग रहा है, कोई बात का आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये सारा जो है आपके पास जो डायलॉग्स है आप जो बताएंगे, तो ये सारे डायलॉग्स के ऊपर समझ जाना है, एक सतह लग चुका है, दुष्ट आत्माओं का ढेर लग चुका है और अब उसके पार होना है आपको। तो ये आपका यहाँ आप जो डायलॉग्स का एरिया है उधर आपको चेंज करना है, आपको पवित्र आत्मा से बात करना स्टार्ट करना है। ओके, पवित्र आत्मा इतना करीब है हमारे कि वो सतह सिर्फ हमारी दृष्टि का है, पवित्र आत्मा की दृष्टि में नहीं है वो सतह। हमको सिर्फ इंतज़ार है, पवित्र आत्मा को सिर्फ इंतज़ार है, हमने उसको बात करना है, सिर्फ उसका इंतज़ार है, काफ़ी है उतना। लोग बोलते हैं कि बहुत समय लगता है परमेश्वर से दोबारा मेल करने के लिए, कुछ समय नहीं लगता है, कुछ समय नहीं लगता, ये मेरा अनुभव परमेश्वर ने मुझे दिया। आपको सिर्फ वो जो डायलॉग है, समय लगता है, ये समय लगता है, ये जो डायलॉग है आपके पास, वहाँ पे आपको सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ बात करना स्टार्ट करना है। ओके, वचन के आधार से बात करना स्टार्ट करना है, आपको अपने मन में भरे हुए वचनों को लेके लेके पवित्र आत्मा के साथ बात करना है। आपको ज़रूरी नहीं है ये देखने की कि आप कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं, ओके, आप किस तरह का टॉपिक यूज़ कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा, ढेर सारा आपने समय बिताया है परमेश्वर के साथ, आपके पास बहुत कुछ है परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, चाहे वो आज के दिन के संबंधित नहीं है, फिर भी रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी परमेश्वर की आवाज़ें, अपने आवाज़ में से बातें शुरू करना है पवित्र आत्मा के साथ, और ये सारी भीड़ ख़त्म हो जाती है। ओके, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है, आपको मार्गदर्शन मिलने लगता है, आपका रास्ता खुलने लगता है, आपकी सोचें बदलने लगती है। यही एरिया है जहाँ पे हम अटक के बैठे रहते हैं, हम पड़े रहते हैं। ओके, हम पार करना नहीं जानते हैं, और फिर बाद में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते, उपवास करो, डिलीवरेंस करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, ये करो, वो करो, बहुत गहरी 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 बातें हमको बताते, कि वो ऐसा लगता है ये ऊपर की सतह तो पहले ही बोझ है, और उसके ऊपर और सतह बढ़ा दिया है कि हमको कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं, बस आपको परमेश्वर के साथ बात करना है। आपको अगर नहीं आता है बात करने, आप भजन संहिता में से पढ़ सकते हैं। ओके, अगर कुछ भी नहीं आता है, आप बाइबल रीडिंग करना स्टार्ट करो, काफ़ी है। ओके, पवित्र आत्मा इमीडिएट कनेक्ट हो जाता है, और वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, उसके जैसा दोस्त कोई नहीं है, उसके जैसा रिश्तेदार कोई नहीं है, उसके जैसा माता और पिता कोई नहीं है, भाई और बहन कोई नहीं है। ओके, उसके जैसा केयर टेकर कोई नहीं है, उसके जैसा रखवाला कोई नहीं है, उसके जैसा गाइड करने वाला कोई नहीं है। ओके, बहुत महंगा है पवित्र आत्मा, बहुत महंगा है, बहुत प्रेशियस है। ओके, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर एक विश्वास के द्वारा दे दिया, ठीक है, वो फेवर हमारे अंदर है, वो परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर है, वो परमेश्वर की दृष्टि जैसे नूहा के ऊपर थी वैसा हमारे ऊपर है। ओके, वो दृष्टि के कारण नूहा का परिवार बचा लिया गया था, वो दृष्टि के कारण नूहा के द्वारा परमेश्वर ने जहाज को बनाया, और बड़ा फ्लड आया था, बाढ़
पानी की भेजी गई थी उसके अंदर वो परिवार बचा के रखा गया था और सब कुछ मेंटेन करने के लिए नोहा को ठहराया था। ओके, तो हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ है ये दुनिया के अंदर। ये मून फेसेस के चक्कर का जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको अब हटा दो और कभी मत बोलो ये कि मून फेसेस से अफेक्ट्स आ रहे हैं। ओके, हाँ अफेक्ट्स आएंगे, कभी आएंगे, जब हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, जब हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा नहीं कर रहे, जब हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे, जब हम परमेश्वर का पीछा नहीं कर रहे, तब ये जगह हमारा इवल स्पिरिट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी गवाही है कि परमेश्वर का जो सही जवाब मुझे मिलना था वो दिसंबर से लेके मैं लड़खड़ाते हुए, तड़पते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, ओके, गिरते हुए, ठीक है, हर तरह से ठोकर खाते हुए, ओके, लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने आंसू नहीं बहाया, मैंने निराशा नहीं देखा, ओके, क्योंकि मैंने निराशा देखना मेरी ज़िंदगी के बाहर हो चुका है। आई एम नॉट एट ऑल डिप्रेस्ड, ओके, क्योंकि परमेश्वर आशा देने वाला परमेश्वर है, निराशा नहीं देता है वो, ओके, सिर्फ समय है, वो लंबा समय चलना पड़ता है, वो लंबे समय तक गुजरना पड़ता है, लेकिन वो फेथफुल गॉड है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमको रोना नहीं है उसके अंदर। मुझे रोने के लिए, रुलाने के लिए बहुत स्ट्रेटजी किए गए दुष्ट आत्माओं के द्वारा, लोगों के द्वारा काफ़ी स्ट्रेटजी किए गए। कम ऑन, मैं एक आंसू तक नहीं बहाया, एक आंसू तक नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आंसू बहाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर फेथफुल गॉड है, विश्वास योग्य है वो, ओके, वो परमेश्वर है मेरा, वो आबा पिता है वो मेरा, वो हर सवाल का जवाब देता है, ओके, इसकी वजह से मुझे कभी मायूसी फील नहीं होता है, कभी मुझे डिप्रेस फील नहीं होता है, कभी भी मैं अपने ऊपर पिटी पार्टी नहीं करती हूँ, ओके, कि ओ मेरा ऐसा है, ओ मैं क्या करूँ, ओ मैं ये है, मैं वो है, मैं वैसे है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, मैं नेवर, और इसके बाद भी कभी नहीं, क्योंकि मेरा सर हमेशा ऊंचा रखा है परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता के कारण, ओके, क्योंकि उसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, कभी नहीं। ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसके अंदर कोई गम नाम की चीज़ ही नहीं है, ओके, ये एक ऐसा संबंध है परमेश्वर के साथ कि जिसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसके कारण हम मायूस हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है परमेश्वर के संगति के अंदर, ओके, मैंने ये बहुत बड़ा फेथफुलनेस परमेश्वर का अनुभव किया है। और आज के डेट में आप समझ सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आज के डेट तक मैं चलती आई ये सारा सवाल दिमाग में उठा उठा कर, तो आप समझ सकते हैं कितनी बार मुझे इन एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर कैसे कैसे मुझे लताड़ा होगा, कुचल दिया गया होगा, कितनी बार मैं ठोकर खा चुकी हूँ, कितनी बार मुझे परेशानी से गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि ये इविल स्पिरिट्स है बेटा, ये इविल स्पिरिट्स है माय फ्रेंड्स, ओके, तो ये इविल स्पिरिट्स हमको छोड़ते नहीं है, ये इविल स्पिरिट्स हर तरीके के नखरे हमारे ऊपर कराएंगे, क्योंकि हम उनके टेरिटरी में घूम रहे हैं ना, तो उनके टेरिटरी में घूमने वाला कोई सीधा साधा निकल के नहीं आता है, ओके, तो इसके लिए वो हमारे सारी चीज़ों का भी पीछा करते हैं, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ लाइफ को परमेश्वर ने मेरा रिस्टोर किया, मुझे कोई हानि नहीं हुई, सुरक्षित परमेश्वर के हाथों में मैं आ गई, और मेरे आत्मिक बेटियां भी एकदम सुरक्षित हैं परमेश्वर की दया से, हम सब इकट्ठे परमेश्वर में बहुत ही अच्छा चल रहे हैं प्रभु की दया से, ओके, इसके बाद भी हम कभी नहीं रोएंगे, कभी नहीं मायूस होंगे, कोई भी सवाल, कोई भी कुछ भी रहे, हम विश्वासी योग्य परमेश्वर को जानते हैं, और मैं वही कहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी विश्वास योग्य परमेश्वर की ही संगति में रहे हैं, तो आपको कभी मायूसी, कभी दुख और कभी कोई प्रकार का
डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, ऐसे सवाल जब हमारे सामने रहते हैं तब। ओके, हम जब हल ढूंढ रहे और हल नहीं आ रहा है, ऐसे समयों में कभी मायूस नहीं होना है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, ये गवाही परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में बनाया। उन लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो कमेंट्स के द्वारा मुझे ये चेतावनी देते थे, सिस्टर आपने इसके पीछे नहीं जाना है, ओके ये रास्ता भटका देगा। ओ माई गॉड, आई थैंक यू फादर, धन्यवाद हो। उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिनके पास मैं ये सवालों को डालती थी, और वहाँ से मुझे सिर्फ मैं फ़ोन करती थी, जो पास्टर के बारे में मैंने बताया जिन्होंने 3 दिन उपवास प्रार्थना किए थे मेरे भाई के लिए, उनको फ़ोन करती थी तो वो भी मुझे कहते थे मुझे इनके बारे में कुछ नहीं मालूम है। ओके, वो कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि वो बताना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनको मालूम नहीं रहेगा, सब कुछ जानते हैं वो। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उनके पास भी मेरे लिए जवाब बंद रखा गया। ओके, मैं जो आयक नाथान जो प्रोफेसर है, ग्रैंड मास्टर कह रह चुके हैं, अब प्रभु में है वो, ओकल्ट में थे अब वो प्रभु में है, उनके वीडियोस भी मैं सुनती थी, पिनियल एंड गुंडे उनके भी वीडियोस मैं सुनती थी। प्रभु में लोग बताते थे कि वो लोग प्रभु में आने के बाद में डार्कनेस के वर्ल्ड के साथ और परमेश्वर के संगति में अब कैसे अंतर आ चुका है, तो वो भी वीडियोस मुझे कुछ हद तक परमेश्वर का जो डर है वो उठा कर लाया। ओके, तो मुझे परमेश्वर का भय और परमेश्वर का आदर मेरे अंदर से ये लोगों ने बनाए रखा। ओके, मुझे बाकी चीज़ों में, जैसे मैंने बोला कि आइडल्स के कैलेंडर्स होते हैं, वो चीज़ों के बारे में मुझे नहीं जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। प्रभु को बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु सच में मुझसे प्यार करता है और मैं प्रभु यीशु से बेहद प्यार करती हूँ। ओके, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई प्राउडली लव जीसस क्राइस्ट। ओके, मैं यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसकी महिमा के लिए ये गवाही देती हूँ कि सचमुच उसने जो लहू बहाया वो लहू के कारण आज मैंने सच्चाई को प्राप्त किया और मेरे रास्ते भटके नहीं। आमीन, क्योंकि भटकते रहते हैं लोग, सच्चाई ढूंढते हैं लेकिन सच्चाई तक पहुँचते नहीं हैं। हाँ, मेरी सच्चाई की ढूंढने के रास्ते परमेश्वर ने अंत में मुझे सच्चाई में लेकर आके खड़ा किया। प्रभु को बहुत धन्यवाद, पिता परमेश्वर को ये गवाही के द्वारा महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह को ये गवाही के द्वारा मैं ऊंचा करती हूँ, उसके नाम को महिमा करती हूँ, उसके बलिदान का मैं आदर करती हूँ और मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ परमेश्वर के सेवा के लिए। उसके अलावा मेरे लिए और कोई परमेश्वर नहीं है। यहोवा तेरा नाम है, प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, उसके अलावा मेरा कोई उद्धार करता नहीं, उसके अलावा मेरा कोई प्रभु नहीं और ना ही मैं किसी को प्रभु मानूंगी, क्योंकि केवल मेरा यीशु मसीह मेरा प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। पवित्र आत्मा की संगति जो मुझे प्रेम सिखाती है, परमेश्वर की दया में अनुग्रह में चलाता है, वो पवित्र आत्मा के अलावा मेरे लिए और कोई परमेश्वर का सामर्थ का कोई और सोर्स नहीं है। परमेश्वर ने दिया हुआ पवित्र आत्मा मेरे अंदर है जो मुझे परमेश्वर के पावर का, परमेश्वर के अधिकार का सोर्स लेकर देता है, एक्सेस करने देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर को, थैंक यू अब्बा फादर। और ANM मिनिस्ट्रीज के लिए हमेशा हमेशा वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं लटक रही हूँ, ओके जो कारण है कि मैं डूबी नहीं हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ, ये मिनिस्ट्री के द्वारा तूने मेरी लाइफ बचाए रखी है। थैंक यू, हर एक बात, हर एक जो उनके वचन, हर एक मार्गदर्शन को, वो मिनिस्ट्री में से निकलने वाली हर एक मार्गदर्शन, चाहे वो वर्शिप के द्वारा जो गीत गाए जाते वहाँ से लीडिंग हो, चाहे वो गवाहियों में से लीडिंग हो, चाहे वचनों में से लीडिंग हो, चाहे अभिषेक में से, ओ फादर, या चाहे
आखिरी में जय मसीह बोलते हैं, वहां पर कुछ लीडिंग्स प्रभु दे, मैं हर वो लीडिंग्स के लिए अपने आप को खोलती हूँ और परमेश्वर को समर्पित करती हूँ कि मुझे उसमें चलाए, अधीन रखे, और नम्रता से मैं उसमें से सीखूं और आगे बढ़ूं। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।